How to fix Samsung M31 charging not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में चार्जिंग काम करना बंद कर दिया है तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ है, किस तरीके से फिक्स होगा, आज के इस वीडियो पर आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे बताऊँगा जो कि आपको मोबाइल पे आप हो सके तो करके देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होते तो दोस्तों आपको कुछ दूसरा ही सॉल्यूशन करना होगा कुछ अलग तरीके से। ठीक है, तो क्या आपको करना चाहिए, क्या सही तरीका है यहाँ पे और कौन सा स्टेप्स आपको लेना चाहिए अगर चार्जिंग काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब दोस्तों मैं आपको चार्जिंग के रिलेटेड में इस वीडियो पर बता दूँगा, ताकि आपको कभी भी जाके चार्जिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको चार्जिंग यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, आपका जो चार्जर है अगर वो ख़राब हो गया है तो आप उसको बदल लीजिए। एक बार ओरिजिनल चार्जर आप यूज़ करके देखिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल चार्जर यूज़ करके देख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर एक बार अपडेट करने की कोशिश करें। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करें, मोबाइल सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो जाके एक बार अपडेट करके देखिए। अगर चार्जिंग अभी काम कर जाता है ठीक है ओरिजिनल चार्जर के साथ, लेकिन अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका यहाँ पर जो है चार्जिंग जो पिन रहते हैं मोबाइल पे, जो प्लग रहते हैं वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो आपको सिंपली दोस्तों कोई भी टेक्नीशियन के पास जाना है और अपना जो चार्जिंग का पिन है उसको बदल लेना है, उसके बाद जाके ही दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि दोस्तों इस तरीके का जो प्रॉब्लम है कई बार सामने आया है, क्योंकि अगर आप चार्जर जो है वो बदल बदल के चार्ज करते हैं तो पिन डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, भले वो आपके मोबाइल के चार्जिंग पिन हो या फिर आपकी USB केबल का चार्जिंग पिन है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो आप दोस्तों हमेशा एक फ़ोन के लिए एक चार्जर यूज़ जरूर करें। मैं चार्जर के लिए जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं आपको यही सजेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा जो है आप इसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, और गेमिंग वगैरह आपको नहीं करना है अगर आप चार्जिंग करते रहते हैं मोबाइल को, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर हम चार्जर की बात करें तो आपको चार्जर काफ़ी ज़्यादा बदलना नहीं है, ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना है। ठीक है, एक फ़ोन के लिए एक चार्जर यूज़ कर सकते हैं या फिर दो फ़ोन चार्ज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आप बदल बदल के करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा और उसके बाद हमेशा आपको भागना पड़ेगा टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो ऐसा कभी भी ना हो, तो इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया। सारे साथ में मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे हो सके तो बता दिया, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है फ़ोन को ओपन करके उसको रिपेयर करना, तो दोस्तों आपको टेक्नीशियन या फिर सर्विस सेंटर का मदद लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम आपका फिक्स्ड हो जाएगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।